नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घूम फिर कर एक प्रश्न सप्ताह में एक आध बार मेरे सामने आ ही जाता है। कई मित्र पूछते हैं कि महाराज, सस्ते और महंगे रत्नों में क्या फर्क है? खासकर जो नीलम पुखराज खरीदने वाले मित्र हैं, उनको यह दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सस्ते और महंगे रत्नों में जो फंडामेंटल जो अंतर होता है, जो फर्क होता है, जो डिफरेंट होता है, उसको बताऊंगा। और आपके लिए बहुत सारे मैं सस्ते और महंगे नीलम पुखराज लेकर के आज ऑन कैमरा आपके सामने रहूंगा। एक एक रत्न आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार ये सस्ता क्यों है और महंगा क्यों है। साथ ही साथ में नीलम पुखराज में खासकर या किसी भी रत्न में ऐसी कौन सी कमियां होती है कि हमें एक बहुत महंगे रत्न को भी छोड़ देना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ के लिए, गंगा तट पर अनुष्ठान आदि के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ विद्वान ब्राह्मणों की जो एक टीम है वह सभी मित्रों की सेवा में तत्पर रहते। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार रत्न क्यों महंगे हो जाते हैं और क्यों सस्ते हो जाते हैं। फिर आपको बिल्कुल एक एक रत्न में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये इसलिए महंगा है, इसलिए सस्ता है। कोई भी रत्न की कीमत तीन चीजों पर निर्भर करती है। उस रत्न की ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर चमक कितनी है, उसके अंदर कलर कैसा है, उसकी कटिंग कैसी है। अगर बहुत चमकदार रत्न है और आउट कलर है, पुखराज को पीला होना चाहिए, नीलम को नीला होना चाहिए, पन्ने को हरा होना चाहिए, पुखराज गुलाबी है या सफेद है, हल्का पीला हो तो चलेगा। लेकिन यदि स्टोन आपका आउट कलर है, बहुत महंगा नीलम है लेकिन उसको नीला होना चाहिए, वह हल्का ग्रीन में है या हल्का गुलाबी है, तो किसी काम का नहीं है। पहली बात तो शास्त्रों में जिस स्टोन का जो कलर निर्धारित किया गया है उसमें अपना नेचुरल कलर होना चाहिए। खासकर नीलम पुखराज में, नीलम में नीलिमा होनी चाहिए, पुखराज में पीत आभा वाला ही होना चाहिए। अगर आपका पुखराज 1 करोड़ रुपए का भी है और उसमें पीत आभा नहीं है तो सारी की सारी मेहनत आपकी बेकार होने के चांस बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरा, आपके रत्न की कटिंग अच्छी होनी चाहिए, सेव अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, अंडर साइज नहीं होना चाहिए। अंडर साइज से मतलब 3-4 कैरेट से नीचे का रत्न भी आप पहनेंगे तो कोई मजेदारी वाली बात नहीं है, खासकर 3 कैरेट से नीचे। कोशिश करें 4-4.25 रत्ती तो हो। दोस्तों, अगर रत्न में जितनी कम ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना कलर उसका आउट होगा, उतना सस्ता हो जाएगा। कभी कभी महंगा रत्न आपने खरीद लिया, उसमें स्क्रैच है, दाग धब्बा है, कोई बड़ा सा चीर का निशान है, कुल मिलाकर के वह रत्न किसी ना किसी दृष्टिकोण से खंडित है। देखो मित्रों, बात ऐसी है, रत्न में रेशा होना उसका स्वाभाविक गुण है, उसका एक फंडामेंटल उसका नेचर है। वो रत्न में रेशा हो सकता है, 10-20 हजार से जो नीचे के रत्न है उनमें तो रेशा होता ही होता है। कई बार लाखों रुपए के नीलम पुखराज में भी हल्का फुल्का कुछ क्लाउड या हल्का रेशा मिल जा, स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आफत नहीं आ गई। स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, बाहर भीतर से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात को आप अच्छे से चेक करें। अब आप ये बहुत सारे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अब ये 3000 रुपए कैरेट की वैरायटी आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी भी कम है, चमक भी कम है, कलर भी थोड़ा हल्का है। देख लो, नजर मार लो इस पे। अब ये वैरायटी 10000 रुपए कैरेट है, ये नेचुरल श्रीलंका है, नो इंडिकेशन ऑफ फिटिंग, नो ट्रीटमेंट, बहुत क्लियर माल है, साफ सुथरा माल है, रेशा नहीं है, चोट से बैठ नहीं है।
इसके आसपास का माल मैं आपको 10,000 रुपये कैरेट में जब कहोगे तब प्रोवाइड करा दूंगा। भाव थोड़े अप डाउन चलते हैं लेकिन लमसम 10,000 के भाव का माल है। अब ये जो पीस आप देख रहे हैं ये आपको 25,000 रुपये कैरेट से कम में नहीं मिलेंगे। देख लीजिएगा, अब 10,000 रुपये कैरेट में और 25,000 रुपये कैरेट में ट्रांसपेरेंसी का बहुत अंतर है, साइज का फर्क है, कलर का अंतर है, खुद देख लो भाई। और ये जो माल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये 50,000 रुपये कैरेट के आसपास मिलता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, कलर बहुत बढ़िया है, चमक बहुत ज्यादा है। और अगर बिल्कुल स्टोन कलरफुल है, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग विद गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड है, और आपका जो रत्न है सेव भी अच्छी है, तो फिर 1,00,000 रुपये कैरेट आपको शानदार वैरायटी मिलेगी। कुल मिलाकर के रत्न जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंस होगा, चमकदार होगा, कलर अच्छा होगा, दाग धब्बे नहीं होंगे, उतना बढ़िया हो जाएगा, उतना महंगा हो जाएगा। ऐसे ही आदमी का है, जितना अच्छी एक्टिंग करता है एक्टर करोड़ों रुपए लेता है। फिल्म में काम करने वाली जो कलाकार लोग होते हैं, जितनी अच्छी उनकी अदाकारी होती है, जितनी सुंदरता अधिक होती है, उतने पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। जितनी कलाकारी कम होती है, सुंदरता कम होती है, कौन टोकता है? 500-500 रुपये में डांसर के पीछे नाचना पड़ता है। कलाकार अच्छा है तो 1 करोड़ मिलेगा। इसी प्रकार रत्नों में ट्रांसपेरेंसी, कलर, सेफ और चोट से बैठना, बस 3-4 बातों का ध्यान रखो, आप मार नहीं खाओगे। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।